कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा सदस्य पद से दिया इस्तीफा। पंजाब 16वीं पंजाब विधानसभा में विधायक बनने के बाद कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया त्याग पत्र। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपा अपना इस्तीफा। पंजाब में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। चंडीगढ़, पंजाब में मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय। सीएम भगवंत मान अपने पास ही रखेंगे गृह मंत्रालय। हरपाल चीमा बनेंगे पंजाब के वित्त मंत्री। हरपाल चीमा पेश करेंगे पंजाब का बजट। मीत हायर को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर विजय सिंगला को मिला स्वास्थ्य विभाग। हरजोत बैंस कानून और टूरिज्म मंत्री होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी डॉक्टर बलजीत कौर। लाल चंद के पास होगा फूड और सप्लाई विभाग। सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा। चंडीगढ़, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भगवंत मान ने ट्वीट कर मंगलवार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा। परंपरा के अनुसार भगवंत मान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करेंगे शिष्टाचार भेंट तथा पंजाब के विकास पर भी करेंगे चर्चा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे अखिलेश। आजमगढ़, अचानक आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा सकूंगा, इस बाबत मुझे अभी न्योता भी नहीं मिला है। पतन स्पष्ट है कि अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। उन्होंने कहा कि सरकार को काम करने के लिए अभी समय देना चाहिए। राजस्थान कोर्ट ने सलमान के ट्रांसफर पिटीशन को किया स्वीकार। राजस्थान हाई कोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत। कोर्ट ने सलमान की ट्रांसफर पिटीशन को किया स्वीकार। अब सभी मामलों की हाई कोर्ट में होगी एक साथ सुनवाई। सलमान को अब बार बार पेशी पर नहीं होना पड़ेगा पेश। गृह मंत्री ने पद्म सम्मान से सम्मानित लोगों को रात्रि भोज पर बुलाया। दिल्ली, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म सम्मान प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित जनों को रात्रि भोज पर बुलाया तथा उनके कार्यों और अनुभव के बारे में की बातचीत। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेताओं की सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं और सूची में विदेशियों NRI, PIO, OCI से 10 लोग एवं 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। उत्तराखंड विधायक दल ने पुष्कर सिंह धामी को चुना अपना नेता। देहरादून, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। धामी के नाम पर लगी मोहर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बेहतर विकास करेगा। CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित। दिल्ली, CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनरल रावत की पत्नी भी उनके साथ हुई विमान दुर्घटना का शिकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल विपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को दिया पुरस्कार। यूक्रेन युद्ध में हुए भारी सैन्य नुकसान को रूस ने स्वीकारा। रूस, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का काफी सैन्य नुकसान हुआ। इस लड़ाई में रूस के करीब 10 सैनिक मारे जा चुके हैं और 16,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध में घायल हुए हैं। 16,153 सैनिकों के घायल होने का आंकड़ा रूस ने जारी किया है। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इस भारी नुकसान की वजह से तेजी से बढ़ रहे रूस की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। रूस अपने सैनिकों को एक साथ समूह में दफना रहा है। इसके लिए भारी मशीनों तक की मदद ली जा रही है। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अमेरिका में चला रहे हैं कैब। वॉशिंगटन, अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पायंदा अमेरिका के वॉशिंगटन में टैक्सी चलाकर कर रहे हैं परिवार का गुजारा। अमेरिका से बहुत ही नाराज हैं। उनके अनुसार अमेरिका ने ही धोखा देकर तालिबान को सौंपी है सत्ता। तख्तापलट की आशंका में अपना देश छोड़कर अमेरिका आ गए थे, जहां वह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं। लेकिन अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वे पार्ट टाइम उबर कैब भी चलाते हैं। अमेरिकी राजनेताओं द्वारा पोलैंड यात्रा क्यों? वॉशिंगटन, पहले कमला हैरिस और अब राष्ट्रपति बाइडेन। यूक्रेन के पड़ोसी देश
और नाटो सदस्य पोलैंड के दौरे पर क्यों? अब जब युद्ध खत्म के दौर में चल रहा है तो अमेरिका क्यों भेज रहा है शांति सेना? क्या है कूटनीतिक दांव पेट? क्या अमेरिका नहीं चाहता रूस यूक्रेन युद्ध विराम? यूक्रेन से पलायन निरंतर जारी। वॉशिंगटन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने कहा, युद्ध के कारण यूक्रेन इन शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। यूक्रेन के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में फंसे नागरिकों की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। इनमें शेरनिहाय, सुमी, खार्किव, इज्यूम, दोनेत्स्क, माइकोलाइव और मारियोपोल शहर शामिल। 4 करोड़ आबादी वाले यूक्रेन के 1 करोड़ व्यक्ति दूसरे देशों में शरणार्थी बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एजेंसी के मुताबिक इनमें लगभग 65 लाख पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें तमाम लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। रूस की निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला करने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में समस्याएं आ रही हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।